प्रेस अधिकारी राजबीर देसवाल की 22वीं पुस्तक जिंद अंटा स्टोरीज ऑफ 60s का हुआ विमोचन। पंचकुला में मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्य प्रधान सचिव DS ढेसी ने राजबीर देसवाल IPS सेवानिवृत्त द्वारा लिखित जिंद अंटा स्टोरीज ऑफ 60s नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह कार्यक्रम पुलिस ऑफिसर्स मेस मोगीनंद में आयोजित किया गया। गत कुछ वर्षों में पूर्व IPS अधिकारी राजबीर देसवाल द्वारा लिखी गई यह उनकी 22वीं पुस्तक है। इस अवसर पर उनकी पुस्तक के विमोचन समारोह में क्षेत्र की नई साहित्यिक हस्तियां, लेखक और कवि शामिल हुए, जिनमें पूर्व विधायक एवं लेखक के चाचा जसबीर देसवाल, पूर्व IAS अधिकारी SS प्रसाद एवं विवेक अत्रे भी मौजूद रहे। राजबीर देसवाल को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव ढेसी ने जिंद अंटा स्टोरीज ऑफ 60s पुस्तक को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि इससे सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से जिंद शहर के इतिहास का पता चलता है। जैसा कि राजबीर देसवाल कहते हैं, यह पुस्तक पाठकों को जिंद एक शहर जो चैन की नींद सोता से भी अवगत कराएगी। उन्होंने साहित्य जगत में राजबीर देसवाल के योगदान की भी सराहना की। लेखक के बारे में, एक पूर्व पुलिसकर्मी, लेखक, गायक, संगीतकार, फोटोग्राफर और वकील की भूमिका में राजबीर देसवाल एक विरल उत्साह के बहुप्रतिभावान व्यक्ति हैं। पूर्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के एक अन्य पुस्तक टी बैक्स पर भी कार्य कर रहे हैं। पुस्तक पर एक नज़र। वर्तमान पुस्तक जिंद अंटा स्टोरीज ऑफ 60s लेखक के गांव और छोटे से शहर जिंद में बिताए बचपन की एक पुरानी याद है। हालांकि यह एक छोटा सा जैव आत्मकथात्मक रेखा चित्र है। यह दस्तावेज प्रचलित सांस्कृतिक, सामाजिक, पारिवारिक परिवेश या बीते समय की विचारधारा के बारे में अधिक बात करता है। यह पुस्तक प्रथाओं, परंपराओं, रीति रिवाजों, पहनावे की शैलियों, मनोरंजन और एक साधारण जीवन शैली के अन्य पहलुओं का दस्तावेजीकरण करती है, जिन्हें सरल और सामान्य माना जाता है। इसके दो भाग हैं। पहला भाग अंटा नामक गाँव में व्याप्त वातावरण से संबंधित है और दूसरा भाग डेविड कॉपरफील्ड जैसे एक बड़े होते लड़के के अनुभवों से संबंधित है, जो उस मुफस्सिल शहर में हर किसी को पसंदीदा लगता था। टैगलाइनों में जिंद के मुफस्सिल शहर का वर्णन किया गया है, एक ऐसा शहर जो चैन की नींद सोता था, और टैगलाइन चंद्रमा कभी कभी यहाँ विश्राम करता है, जो गांव अंटा के ग्रामीण इलाकों में प्राचीन और जंगली परिवेश का वर्णन करती है। यह राजबीर देसवाल की 22वीं किताब है, जिसमें 3 भाषाओं, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में कविता पर 8 किताबें शामिल हैं। राजबीर देसवाल की कहानियाँ पाठकों द्वारा बहुत बार पढ़ी जाती हैं और वह भारतीय पुलिस सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में प्रैक्टिस करते हैं। तो जब यूपी में कोई आया करता था तो वो रम पी के आया करते थे, विस्की पी के आते थे, स्कॉच पी के आते थे। तो वो कोई अफसर जब रोहतक चला गया, कहते हैं मरे बेटे रोहतक आ गए, जो है आप सी पे आते हैं, यू ड्रिंक्स और दे डोंट ऑफर यू स्कॉच और रम और वो। तो यस, यू क्रेडिट मिस्टर रमन मोहन, सीनियर जर्नलिस्ट। आप में बहुत से लोग हैं ऐसे जो विवेक जी के अलावा मीडिया राइटिंग करते हैं। सोनी का तो बदस्तूर छपती हैं। नीलेश वरुण जी इंटरनेशनल फेम की पोएटिस हैं। यहाँ चेतना वैष्णवी जी आई भी हैं, इफ शी इज देयर प्लीज रेज योर हैंड मैडम, शी इज लेफ्ट आई थिंक। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन।